हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वारिधि मंथन में। आपको 80 के दशक का वो चॉकलेटी हीरो कुमार गौरव तो याद ही होगा। रातों रात एक सुपरस्टार जैसा स्टारडम पाने के बाद आखिर इनके साथ क्या हुआ था कि इनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया? क्यों राज कपूर इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे और क्यों अभिनेत्री मंदाकिनी इनसे नफरत किया करती थी? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताते हैं। हिंदी सिनेमा के जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार, इन्हीं के बेटे हैं कुमार गौरव। 11 जुलाई 1960 के दिन लखनऊ में पैदा हुए थे। ये बात कम ही लोगों को पता है कि कुमार गौरव तो इनका फिल्मी नाम है। असल में पिता ने इनका नाम मनोज तुली रखा था और प्यार से लोग इन्हें बंटी कहकर बुलाते थे। बचपन से ही लोग कहा करते थे कि इतने बड़े स्टार का बेटा तो स्टार ही बनेगा। कुमार का भी चेहरा मोहरा चॉकलेटी था, जो उस दौर में हीरो बनने के काबिल था। बस राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को पढ़ाया और फिर बॉलीवुड में लाने की योजना बनाने लगे। साल 1981 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म लव स्टोरी से लॉन्च किया। हीरोइन के लिए चुना खूबसूरत विजेता पंडित को और खुद डायरेक्शन करने लगे। इनके डायरेक्शन ने तो कमाल ही कर दिया। ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। पहली ही फिल्म से बेटा कुमार गौरव स्टार बन गया। उस दौर में लड़कियां तो कुमार गौरव की दीवानी हो गई थीं और उस दौर के लड़के भी कुमार गौरव की हेयर स्टाइल की कॉपी किया करते। अगले ही साल 1982 में पूनम ढिल्लो के साथ इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था तेरी कसम। इस फिल्म ने भी कमाल कर दिखाया। अब तो अभिनेता सफलता के घोड़े पर सवार होकर कामयाबी के सातवें आसमान को चूमने लगे। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन इनके घर के सामने लगने लगी। फिल्में इतनी सारी ऑफर होने लगी कि इनके पास किसी फिल्म को साइन करने का समय तक नहीं था। इसी साल दो और फिल्में आईं, स्टार और हम हैं लाजवाब। फिर 1983 में दो फिल्में आईं, लवर्स और रोमांस। इसके बाद 1984 में ऑलराउंडर और फिर 1985 में जन्म फिल्म में नजर आए। साल 1986 में नाम फिल्म आई जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। दोस्तों, कुमार गौरव की बर्बादी की कहानी जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या कारण था कि राज कपूर इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। दरअसल बात ये थी कि राज कपूर और राजेंद्र कुमार की गहरी दोस्ती थी और ये दोनों ही इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। राज कपूर ने अपनी बेटी रीमा कपूर की शादी जब कुमार गौरव से करने की बात कही तो राज कपूर की बात राजेंद्र कुमार फौरन मान गए। कुमार गौरव भी तैयार हो गए और दोनों की सगाई भी हो गई। लेकिन इसी दौरान उनकी फिल्म लव स्टोरी की हीरोइन विजेता पंडित के साथ कुमार गौरव का अफेयर शुरू हो गया। विजेता पंडित के प्यार में दीवाने कुमार गौरव ने रीमा से शादी करने से इनकार कर दिया और सगाई तोड़ दी। राज कपूर को ये बात बहुत खराब लगी और उस दिन के बाद से वो कुमार गौरव की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। वहीं राजेंद्र कुमार ने भी अपना गुस्सा निकाला और विजेता पंडित को अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कुमार गौरव की जिंदगी में संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त आई। दोनों ने साल 1984 में शादी भी कर ली और दोनों के दो बच्चे भी हैं। इनके बच्चों के नाम हैं सांची कुमार और सिया कुमार। आइए अब बताते हैं कि किस तरह कुमार गौरव का करियर बर्बाद हो गया था। असल में पहली ही फिल्म से स्टार बन चुके कुमार गौरव को उनका घमंड ले डूबा। लव स्टोरी फिल्म हिट होने के बाद उनको कामयाबी का ऐसा नशा था कि उन्होंने नई हीरोइंस के साथ काम करने से ही मना कर दिया, जिस वजह से कई अच्छी फिल्में इनके हाथ से निकल गईं। वो डायरेक्टर्स से भी बहुत अच्छे ढंग से बात नहीं किया करते थे, जिस वजह से डायरेक्टर्स भी इनसे कन्नी काटने लगे। इस बीच प्रोड्यूसर दिनेश बंसल इनके पास शीरीन फरहाद फिल्म का ऑफर लेकर आए। इस फिल्म में नई हीरोइन यास्मीन जोसेफ थी। जैसे ही कुमार गौरव को उस नई हीरोइन के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद ये फिल्म कभी बनी ही नहीं और यास्मीन को वापस अपने घर लौटना पड़ा। लेकिन इसके 4 साल बाद राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में यास्मीन नजर आई और मंदाकिनी के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हो गईं। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इधर कुमार गौरव का करियर डूब रहा था और उधर मंदाकिनी का करियर चमक रहा था। कुमार गौरव ने अपने डूबते करियर को बचाने के लिए अपने प्रोड्यूसर से अपनी नई फिल्म में मंदाकिनी को लेने के लिए कहा।
मगर जैसे ही मंदाकिनी को पता लगा कि इस फिल्म में हीरो कुमार गौरव हैं, तो उन्होंने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया। कुमार गौरव को वैसे भी फिल्में मिलनी बंद हो रही थीं और जो मिल भी रही थीं वो भी पिटती ही जा रही थीं, और अब तो हीरोइनें उनके साथ काम करना ही नहीं चाहती थीं। अपनी सफलता के नशे में कुमार गौरव ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। इस तरह उनका फिल्मी करियर डूब गया। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके पास पैसों की कोई कमी है। जब उनका बॉलीवुड करियर बर्बाद हुआ तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसके दम पर वो मुंबई में करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। दोस्तों, क्या आपको कुमार गौरव याद हैं? अगर याद हैं तो हमें कमेंट्स में ये जरूर लिखिएगा कि आपको कुमार गौरव कैसे लगते थे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।